हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कच्चे आम से बनी चटनी। कई लोग इसे आम का छुंदा भी बोलते हैं और कई लोग इसे आम की चटनी भी बोलते हैं और लच्छा भी बोलते हैं। तो वीडियो देखने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। आम की चटनी या छुंदा बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो कच्चा आम लिया है और इसको धोकर छीलकर अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। उसी के बराबर मैंने आधा किलो गुड़ लिया। जितना हमारा आम होगा उतना ही हमें मीठा चाहिएगा। अगर आप इसमें चीनी डालना चाहेंगे तो आधा किलो ही चीनी लगेगी इसके अंदर। एक चम्मच धनिया, एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच सफेद नमक, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच काला नमक, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच काली मिर्च पिसी हुई। सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे और जो हमारे पास साबुत मसाले थे, धनिया, सौंफ और अजवाइन, उनको हल्का सा ड्राई करेंगे। जब इसमें चटकने की आवाज आ जाए तो इस गैस को बंद कर और इसको दरदरा फूट के रख देना है साइड में। इन चीजों को भून के डालने से चटनी के अंदर बहुत अच्छी खुशबू आती है। जब इसमें चटकने की आवाज आ जाए तो गैस को ऑफ कर देना। मसाला हमारा ड्राई हो गया है, इसको हम साइड में रख देंगे और दरदरा फूट के रखना है इसको। कद्दूकस किया हुआ कच्चा आम मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। इंडक्शन को हम ऑन करते हैं। आधा किलो जो मैंने गुड़ लिया था क्रश करके, वो भी उसके अंदर डाल दूंगी और इसको मेल्ट होने तक पकाएंगे। गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है अच्छे से, लेकिन अभी इसे पकने में टाइम लगेगा। देखिए इसमें थिकनेस आनी शुरू हो गई है। मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डाला। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डालना, नहीं तो चटनी आपकी बिल्कुल खराब हो जाएगी। इसको हम एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, कभी भी इसमें गीली चम्मच से चटनी को ना निकालें। चटनी हमारी थिक हो रही है। अब हमें इसमें मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले हमें जो हमने धनिया, सौंफ और अजवाइन भूनी थी उसको मैंने दरदरा फूट लिया था, उसको हम चटनी के अंदर डाल देंगे। चटनी को हमें बहुत तीखा मीठा करना है, एकदम चटपटी चटनी बनानी है। इसके बाद नमक, लाल मिर्च, काला नमक, हल्दी, इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। अभी इसे 5 मिनट और पकाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर मसाले मिक्स किए हैं। और इसे तीखा चटपटा बनाने के लिए मैं इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी, इससे ये और चटपटी हो जाएगी। चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे प्लेट के अंदर निकालेंगे। मैंने इसे 30 मिनट पकाया है और इसका कलर ब्लैक भी लग रहा है, क्योंकि मैंने इसे गुड़ के अंदर पकाया है। लच्छा बनकर तैयार हो गया है। इसे आप रोटी के साथ, पूरी के साथ, ये हर किसी के साथ खाया जा सकता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।